आधुनिकता के इस दौर में जहां परंपरागत फसलें विलुप्त हो रही हैं, वहीं कुल्लू जिला की लग घाटी में लोग विलुप्त हो रही लाल चावल की परंपरागत खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। मान्यता है कि लग घाटी दोगरी पंचायत में माता फंगुणी के देव आदेश पर सदियों से गांव के किसान जैविक खेती कर रहे हैं। यही नहीं, गाँव में खाद और कीटनाशक का उपयोग करना भी निषेध है। यहाँ सबसे पहले पुजारी के द्वारा खेतों में धान लगाया जाता है और उसके बाद सभी महिलाएं मिलकर खेतों में धान की रोपाई करती हैं। स्थानीय किसान कांता देवी ने कहा कि यहाँ सदियों से माता फंगुणी के आदेश पर धान की फसल की रोपाई की जाती है। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई करना आसान नहीं होता, ऐसे में सभी ग्रामीण एक दूसरे के सहयोग से हर साल धान की रोपाई करते हैं। कांता देवी ने बताया कि धान की फसल के लिए सिर्फ गोबर का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रोपाई के समय गांव में लोग खूब मनोरंजन भी करते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से यहां पर रोपाई होती है धान की। जब भी धान की रोपाई होती है तो मतलब जो माता रानी के पुजारी है पहले वो दिन निकालते हैं, फिर उसके बाद दूसरे लोग लगाते हैं, सब इकट्ठा होके अब अपना टाइम निकाल। इसका सहयोग यही है कि जैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। धान अकेले तो रोपाई होती नहीं है इसकी, जैसे ओरी बीजते हैं हम धान की, उसको निकालने के लिए भी सब औरतें इकट्ठा होती है, फिर भोग भी लाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, फिर सबको बांटा भी जाता है। अन्य किसान हीरा देवी ने कहा कि दोगरी, कालंग, ग्रामंग, संगोचक गाँव में लोग आज भी परंपरागत तरीके से धान की फसल लगाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दो रंगों के चावल तैयार किए जाते हैं, जिसमें एक चावल लाल और दूसरा सफेद रंग का होता है। हीरा देवी ने बताया कि अगर किसी को चर्म रोग की समस्या होती है तो धान के खेत की मिट्टी और पानी से वे सभी रोग दूर हो जाते हैं। जो ये धान है ना, ये जातू धान भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ दो रंग का धान भी होता है, जैसे एक सफेद होता है एक लाल होता है। जैसे यहाँ और खाद वगैरह यहाँ कुछ नहीं डालते हैं, गोबर से ही तैयार होता है। जैसे ये किसी के कोई कटा हुआ होता है वो भी ठीक होता है इस पानी से भी। ये जो एक क्या नाम मिट्टी है ना, इससे भी ये मिट्टी बहुत अच्छी है। वहीं ढूंगरी गाहर पंचायत के किसान चुन्नी लाल ने कहा कि गांव में लाल चावल की फसल के लिए धान की रोपाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सदियों से यहाँ पर जैविक खेती की जाती है। उन्होंने बताया कि देव आदेश पर सबसे पहले फसल का भोग माता को लगाया जाता है और गांव के लोग परंपरागत फसल के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मान्यता के अनुसार खेतों में जब बैलों से बिजाई की जाती है तो देवता भी खुश होते हैं। धान की रोपाई हो रही है जो जाटू धान है, जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, जो प्राकृतिक खेती की जाती है यहाँ पर। आजकल जो हम ये धान लगा रहे हैं तो मतलब ये जो भी यहाँ जो है माता के सिस्टम से ही होता है यहाँ पे। तो और लास्ट में जो मतलब अक्टूबर महीने में ये फसल तैयार हो जाएगी तो तब भी मतलब जो है काटने के बाद जो सबसे पहले भोग माता को ही लगाया जाता है दिसंबर महीने में। मशीनरी युग के समय में परंपरागत तरीकों से फसलों को बिजाई करना समाज में संस्कृति संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के हिसाब से एक यकीनन सराहनीय कार्य है, जिसे आने वाली पीढ़ी को भी अपनाना चाहिए। कुल्लू से दूरदर्शन हिमाचल के लिए तुलसी भारती की रिपोर्ट।